उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, बिना झुके लगातार काम करेगा। कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेट्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलते हुए तो जितने तथ्य आ रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था, वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था।